नमस्कार। आज हम कोरोना की दूसरी लहर के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। कोरोना की पहली लहर को लगभग एक वर्ष का समय लगा। कोरोना की पहली लहर 6 महीने में पीक पर पहुंची और अगले 6 महीने पर ये अपने ढलान पर आ। इस दौरान नवंबर दिसंबर के आसपास जनवरी तक हमने देखा कि कोरोना के केसेस में काफी गिरावट आई और उस दौरान बुजुर्गों के लिए वैक्सीनेशन भी उपलब्ध हो। हमने देखा कि दूसरी लहर बहुत जल्दी पीक पर जाती हुई लग रही है। इस बार इन्फेक्टेड लोगों की संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और मरने वालों की संख्या उसी अनुपात में ज्यादा है, यानी कि केस फेटलिटी रेशियो पहले की तुलना में शायद ज्यादा बड़ा हो, लेकिन लगभग अभी तक बराबर भी। सवाल है कि इतना सारा संक्रमण कैसे फैला। बहुत सारे लोगों का मत है, वैज्ञानिकों का मत है कि पहली लहर के बाद, इसके कम हो जाने के बाद हम काफी निश्चिंत हो गए, युवा वर्ग को काम पर जाना था, इसलिए यह संक्रमण बहुत तेजी से फैला दिसंबर के बाद। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को दोष देने के बजाय हम अपनी वैज्ञानिक धारणाओं में थोड़ा सा अगर बदलाव कर लें तो हमें लगता है कि हम किसी दूसरे नतीजे पर भी पहुंच सकते हैं। आपको ज्ञात होगा, बुजुर्गों को वैक्सीनेशन इसलिए पहली ड्राइव में लगाया गया कि उनको सबसे ज्यादा ससेप्टेबल माना गया, यानी कि उनको खतरा सबसे ज्यादा माना गया, इसलिए उनको वैक्सीनेट किया गया। हालांकि बच्चे भी खतरे की जद में थे, लेकिन उनमें संक्रमण जानलेवा नहीं हो रहा था और न ही बच्चों के लिए ऐसी कोई वैक्सीन अभी उपलब्ध है। बुजुर्गों के वैक्सीनेशन के बाद आपने देखा कि वयस्कों में कोरोना पूरी तरह से फैल चुका है। मृत्यु दर वयस्कों का बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसा नहीं है कि हमारी उस वैज्ञानिक अवधारणा में कहीं ना कहीं गलती है जिसे हम महामारी को समझने में भूल कर रहे हैं? क्या महामारी का वैक्सीनेशन आइसोलेशन के आधार पर होना चाहिए? क्या हम बच्चों और बुजुर्गों को पूरी तरह से आइसोलेट करके जो लेस वल्नरेबल पॉपुलेशन थी, यानी कम जोखिम वाली पॉपुलेशन एडल्ट्स की, किंतु जो ज्यादा जोखिम में इसलिए थी क्योंकि उनको देशांतरण की जरूरत थी, भ्रमण की जरूरत थी, काम के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत थी, क्या हमको इसी पॉपुलेशन को सबसे पहले टारगेट करना चाहिए था? मुझे लगता है यह हाइड्रोडायनेमिक की तरह है, द्रव गति विज्ञान की तरह है। अगर पानी का बहाव है और बांध बना हुआ है, बांध सबसे पहले कमजोर दीवार को तोड़ेगा, जैसा कि पहली लहर में बुजुर्गों की दीवार। बुजुर्गों को हमने वैक्सीनेशन से स्ट्रॉन्ग किया, यानी कि हमने कोने वाली दीवार, अपने लेफ्ट हैंड वाली दीवार को सबसे मजबूत किया, तो यह जो बहाव है, यह जो वेग है कोरोना का वेग सीधे सीधे एडल्ट की तरफ आया और बच्चों में भी फैला, किंतु अभी भी बच्चों में वह संक्रमण और मृत्यु दर देखने को नहीं मिला। उसका एक कारण स्कूल कॉलेजों का बंद होना। मेरा कहना है कि जिस तरह से हम आम रोगों के लिए बैक्टीरियल इंफेक्शन में ससेप्टेबल पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाते हैं, क्या महामारी में भी, पैंडेमिक में भी, एपिडेमिक में भी हमें वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? मुझे लगता है हमें उस पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहिए जो माइग्रेटरी है, जो लेस वल्नरेबल है, लेकिन जो माइग्रेटरी है। अगर हमने एडल्ट्स को, पूरी दुनिया में अगर ये नीति रही होती कि एडल्ट्स को सबसे पहले लगेगा और बुजुर्गों और बच्चों को हम पूरी तरह से आइसोलेट कर देंगे, यानी आइसोलेशन की एक ऐसी वॉल लगा देंगे कि जो राइट एंड पर बच्चों का कोना था, लेफ्ट एंड पर बुजुर्गों का कोना था, ये अपने आप आइसोलेशन से मजबूत हो जाता, तो हमें वो जो बीच की दीवार थी, जो हालांकि कमजोर नहीं थी, लेकिन उसको हमने और सशक्त बनाया होता, तो कोरोना की ये दूसरी लहर देखने को नहीं मिली। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यह जो भी संक्रमण है, यह द्रव गति की तरह ही फैलते हैं।
जहां भी ये रुकावट देखते हैं वहां से दूसरी तरफ पड़ जाते हैं, जहां भी ये रुकावट देखते हैं वहां ये ठहरते हैं, म्यूटेट होते हैं, फिर दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं। अगर मैं कोरोना के बारे में सही जानकारी रखता हूं तो मेरा ये कहना पर्याप्त तो होना चाहिए कि वायरस म्यूटेट होता है जैसे ही उसमें ठहराव आता है, जैसे ही हम उसको स्लो करते हैं, उसके बाद वो अपनी दिशा बदलता है। अब हमें थर्ड वेव यानी तीसरी लहर का खतरा है, और तीसरी लहर सिर्फ बच्चों में नहीं आएगी, बुजुर्गों में भी आएगी, क्योंकि तब तक बुजुर्गों को जो वैक्सीन की इम्यूनिटी मिली हुई है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि तीसरी लहर जब 18 से 45 वर्ष के वयस्कों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, वो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, इम्यून हो जाएंगे, तो तीसरी लहर बीचों बीच में जाकर के दाएं और बाएं से चलेगी, दाएं तरफ बच्चे, बाएं तरफ बुजुर्ग। यानी कि हमें वैक्सीनेशन नीति में एक बदलाव और लाना होगा, वह है बुजुर्गों का बूस्टर जो डोज से वैक्सीनेशन, और जल्दी से जल्दी बच्चों का भी वैक्सीनेशन, और युवाओं जो समझते हैं कि हमारी मृत्यु दर कम है और वैक्सीनेशन से युवाओं में कम फायदा होता है, वो एकदम गलत है। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि युवाओं के वैक्सीनेशन से हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा होने वाला है कोरोना संक्रमण की रोकथाम। धन्यवाद।